सोमैटिक फील्ड जो हमने स्टार्ट किया था बच्चों, वो बस थोड़ा सा पढ़ाया था, मैं उसको ब्रीफ करते हुए फिर आगे बढ़ूंगा, है ना? सबको आवाज सुनाई दे रही होगी ना? यस, ठीक है। तो ये टॉपिक स्टार्ट किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? और हमने बताया था कि चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एफ बी लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में बी वेक्टर है, फोर्स कम्स आउट ए चार्ज क्यू वी वेलोसिटी क्रॉस बी। दिस इज द फॉर्मूला। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और इसमें हमने कहा था बिकॉज ऑफ दिस फोर्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, सो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज। दैट मीन्स अ स्पीड विल रिमेन कॉन्स्टेंट। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और ये एन कैप। अभी बच्चे ज्वाइन ही कर रहे हैं, एन कैप इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वी एंड बी। बच्चों अगर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल इफ थीटा जीरो है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज पैरेलल velocity is parallel to magnetic field or anti-parallel. Anti-parallel that means angle is pi. Theta zero हो या pi हो, force क्या हो जाएगा? Magnetic force will be zero. मतलब चार्ज पार्टिकल का velocity constant रह जाएगा, change नहीं होगा। अगर suppose मैं कहूँ कि magnetic field इधर है और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स। अगर किसी एंगल पे है, अगर वेलोसिटी कुछ एंगल पे है v, तो इसको हम कह सकते हैं इसका दो कंपोनेंट होगा, v का v cos थीटा, इसके कारण फोर्स नहीं लगेगा, और v का दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा, इसके कारण फोर्स लगेगा, है ना? तो यहां पे तुम बोल सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बी को क्यू बी इंटू वी साइन थीटा, समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, वी साइन थीटा। वी साइन थीटा क्या है?
वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है क्यू इंटू वी इंटू बी साइन थीटा एन कैप, जस्ट इंटरप्रेट करने के लिए ऐसे बोल रहा हूं क्यू इंटू वेलोसिटी, इसमें क्या किया बी का कंपोनेंट ले लिया, बी कॉस थीटा इधर और बी साइन थीटा इधर, मतलब वेलोसिटी इंटू बी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जैसे भी देखो। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ये फॉर्मूला लिख दिया था, कुछ एग्जांपल्स लिए थे, बट उसका रिकॉर्डिंग शायद मैंने किया नहीं था, ये बता दिया। इसमें किसी को दिक्कत तो कुछ पूछ लो। तो हमने फॉर्मूला देख लिया, उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लिया इसमें। अब ऐसे सवाल होंगे जहां पे वेलोसिटी वेक्टर में दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में दिया हुआ है, फोर्स निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आ जाएगा, है ना। हम लोग कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं पहले, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैं बहुत क्विकली रिवाइज करा देता हूं, मैंने बता दिया था बट चूंकि बहुत दिन हो गया भूल गए हो गए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ये पूरे एरिया में, और वेलोसिटी जो दिए हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये दो केस ले रहे हैं स्पेशल केस। सो इफ दिस इज चार्ज q, इसको वेलोसिटी दिए हैं बोर्ड के प्लेन में, इस पे अगर फोर्स पूछा जाए किधर होगा, तो देखना राइट हैंड कर्व रूल, क्योंकि पिछला दिन हम लोग उस पे डिस्कस कर रहे थे तो नहीं समझा पा रहा था, आई थिंक इसलिए मैंने ये भी समझा रहा हूं। V डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, V V क्रॉस B, V क्रॉस B, B किधर है इनटू द प्लेन, सो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, मनस्वी कनेक्टेड हो क्या? हाँ सर। मुझे याद आ रहा है कि उस दिन कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी डायरेक्शन में, क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग फिंगर्स को स्ट्रेच करो, वी किधर है इधर, बी किधर है इनटू द प्लेन, बी के तरफ कर्ल करो, डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौशल डायरेक्शन क्लियर हुआ? हाँ सर। अब देखो फोर्स इधर है वेलोसिटी इधर है, तो क्या होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी का, ये इधर आएगा, कुछ देर बाद इसका वेलोसिटी ये पाथ ऐसा हो जाएगा, इधर हो जाएगा फोर्स, सॉरी वेलोसिटी, लेकिन जैसे वेलोसिटी अब इधर होगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, फोर्स भी अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, एफ सॉरी वी क्रॉस बी इधर, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सो इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, और फोर्स जो होगा हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा हर मोमेंट पे। किसी को याद है ये आर कितना आया था, व्हाट विल बी द रेडियस, एमवी एमवी अपॉन क्यूबी, एमवी बाय क्यूबी, बहुत बढ़िया।
और अगर भूल भी गए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक सेकंड में डिराइव कर सकते हो। फोर्स कितना लग रहा है, क्यू वी बी, और थीटा कितना है इस केस में, 90 डिग्री है ना। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, तो साइन 90 जीरो, सॉरी साइन 91, क्यू वी बी ये हो गया फोर्स, एंड दिस फोर्स विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स, चूंकि रेड सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो यहां से वी और वी गया, आर कम्स आउट एज एम वी अपॉन क्यू बी, इसी रेडियस को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं, एम वी इज इक्वल टू momentum is equal to 2m into kinetic energy है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे सवाल होंगे तो मैं नहीं कर पा रहा हूं कि एक प्रोटॉन को थ्रो किया, एक अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया विद द सेम मोमेंटम, तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसका रेशियो क्या होगा। सेम काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया तो रेडियस क्या होगा, सेम पोटेंशियल से एक्सलेट किया है तो क्या होगा। आ रही बात समझ में, ऐसे सवाल बुकलेट से तुम खुद कर सकते हो, पता नहीं उस दिन हमने एक दो सवाल करवाए होंगे। अगर सेम मोमेंटम से थ्रो किया है तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, हम इसको लिखना चाहेंगे इस फॉर्मूले को, सेम काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया तो ये फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मास चार्ज पर डिपेंड करेगा। कभी कभी कहेगा कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट किया है चार्ज पार्टिकल को, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, क्यू इंटू वी, वी सेम रहेगा, क्यू अलग अलग हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली के पुट कर देंगे, है ना। इज इट क्लियर बच्चों, आईआईटी ने ऐसे सवाल बहुत बार पूछे हैं। मयूर महाजन, हाँ सर, इसी में मैं पूछता हूं, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी, What will be angular velocity? तो कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा, v upon r, तो ये क्या क्या हो जाएगा, qb by m। मैं पूछूंगा किसी टाइम में कितना एंगल रोटेट करेगा, थीटा, तो क्या लिखोगे, थीटा रोटेशन जो होगा, मान लो अभी यहां पे है तो ये टी टाइम यहां पर क्या, थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी। मैं पूछूंगा व्हाट विल बी टाइम पीरियड, अगर सर बहुत ही सिंपल, टाइम पीरियड जो हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, टू पाई ओमेगा पुट कर दिया, एम अपॉन क्यू बी, और सबको याद है टाइम पीरियड के बारे में कुछ बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट, किससे मैं पूछूं, धनंजय, हाँ सर, क्या इंपॉर्टेंट बताया था टाइम पीरियड में सर, वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी से। बहुत बढ़िया, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी, ये बहुत ही यूजफुल फैक्ट है, बहुत ही यूजफुल फैक्ट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा हो कम हो वो वापस घूम के उतने ही टाइम पे आ जाएगा। और इसका रीजन ये है कि अगर स्पीड ज्यादा है, मतलब स्पीड अगर ज्यादा है तो ये बड़ा सर्किल लेगा, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड ज्यादा है बट टाइम इट विल टेक्स।
ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे बहुत सारे बेसिक बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पे चार्ज को मुझे बहुत हाई वेलोसिटी से ले जाना है, उसको हाई काइनेटिक एनर्जी देना है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज आता है। उसको बोलते हैं डीज करके, इंस्ट्रूमेंट है, किसी ने पढ़ा होगा तो ध्यान में, इसी बेसिक प्रिंसिपल को यूज करते हैं। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं। किसी ने कहा था मुझे रिकॉर्डिंग पिछले लेक्चर्स का, तो मुझे लगता है मैंने बता दिया है, यही चार चीज पढ़ाया था और एक बार रिवाइज भी हो गया। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। मयूर तुमने मांगा था ना? हाँ सर मैंने मांगा। ठीक है, तो अभी समझ में आई चीजें ये सारी? हाँ सर। सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है, माइनस जेड एक्सिस, माइनस के कैप के लॉन्ग है। बी इज इक्वल टू बी नॉट माइनस के कैप, और हमने एक पार्टिकल को कुछ दिया वेलोसिटी वी नॉट ऑरिजिन पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने वेलोसिटी दिया वी नॉट, किस डायरेक्शन में? आई के डायरेक्शन में, वी नॉट आई कैप। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मुझे लिखना है इसका किसी टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, किसी टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, है ना? ये दो चीजें लिखनी है। पहला लिख लो इन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट आई कैप, ये चार्ज पार्टिकल क्यू हैज वेलोसिटी वी नॉट आई कैप, इनिशियली इनिशियली एंड इट इज at origin at t equal to 0. Find velocity at any time अगर मैं पूछूं स्पीड क्या रहेगा तो कुछ बताने के मतलब आराम से तुम बता सकते हो कि स्पीड तो सेम ही रहेगा वी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बट वेलोसिटी चेंज होगा, इट्स वेलोसिटी विल चेंज डायरेक्शन में सिर्फ। सो इसका सर्कुलर पाथ कैसे होगा? क्यू मान लेते हैं पॉजिटिव है, वी क्रॉस बी, इसका सेंटर कहीं यहां होगा, दिस विल मूव इन दिस वे। किसी टाइम पे सपोज यहां पे है तो इसका वेलोसिटी ऐसा होगा वी, v at any time t, ये हो गया सेंटर। लेट्स ये एंगल रोटेट किया थीटा, सो थीटा हम लोग क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू टी। सारे बच्चे ध्यान दें, ये थीटा है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, सही लिख रहा हूं क्या? ये थीटा हो गया, तो हम लोग वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड तो सर्टेनली वी नॉट है, सो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी वी कैन राइट वी नॉट कॉस थीटा आई कैप
प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट थीटा टाइम के टर्म में आना चाहिए। व्हाट यू कैन राइट, वी नॉट कॉस थीटा इज ओमेगा इनटू टी, इतना आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा, सॉरी साइन ओमेगा टी जे कैप। साथ साथ लिखते जाओ, ओमेगा तुमने निकाल लिया है, क्यू बी बाई एम इंटू टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी जे कैप। मुझे नहीं लगता है किसी को इसमें परेशानी होगी, खुद से लिख सकते हो। व्हाट विल बी पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम टी, दूसरा क्वेश्चन, आर क्या होगा, कहोगे सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, व्हाट विल बी एक्स, एक्स विल बी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा नहीं, व्हाट विल बी वाई कोऑर्डिनेट, ये r माइनस r cos थीटा j कैप। अब इसमें r का वैल्यू पुट करना है तुम्हें, थीटा का वैल्यू पुट करना है, और लिख लो अपने नोटबुक में। बच्चों यहाँ पे रेडियस का वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया, पाथ भी दिख रहा है, और पार्टिकल का अगर पूछा जाए मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो तुम्हें यहां से तो दिख रहा है 2r होगा। फॉर्मूला से भी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब कॉस थीटा जो हो जाएगा वो माइनस वन हो जाएगा, तो ये 2r हो जाएगा। मैथमेटिक्स से भी, डायग्राम से भी, तो मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। उसके बाद बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर फील्ड पूरे रीजन में नहीं है, इट कंफाइंड इन सर्टेन विड्थ, तो मैं पहला केस लेता हूं कि फील्ड इज कंफाइंड इन सेमी इनफाइनाइट रीजन। सेमी इनफाइनाइट दैट मीन्स यहां के इधर है, इस तरफ नहीं है। अब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से गया, v नॉट वेलोसिटी से, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इसका सेंटर इधर होगा बच्चों, और इसका मोशन कैसा होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां पे आएगा, अब इधर नहीं है, तो ये सीधे ऐसे चला जाएगा। So, इसमें कितने का डिफ्लेक्शन होगा, अपोजिट हो जाएगा वेलोसिटी, पाई का डिफ्लेक्शन होगा। अगर पूछा जाए हाउ मच टाइम इट विल स्पेंड, कितना टाइम स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहां पे तो तुम बहुत सिंपल से कर दोगे कि टाइम पीरियड टी है, तो ये टी बाई टू स्पेंड किया, टाइम पीरियड था 2 पाई एम बाई क्यू बी, यहां आ जाएगा पाई एम बाई क्यू बी। अगर लेकिन मैं ऐसे जनरली बोलना चाहूंगा कि ऐसे भी मत करो कि टाइम पीरियड का हाफ, मोस्टली ऐसे करोगे थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, तो हाउ मच टाइम इट स्पेंड्स थीटा बाई ओमेगा,
थीटा का मतलब ओमेगा कितना हो जाएगा? वन बाय ओमेगा। तो ये था qb by m। तो ये कितना हो जाएगा? m by qb into थीटा। ऐसे याद रखो, सही लिख रहा हूं ना? कितना टाइम स्पेंड करेगा? m by qb into थीटा। अगर ये पूरा सर्कल रोटेट किया तो थीटा इज 2π, हाफ सर्कल रोटेट किया तो थीटा इज 5, जितना रोटेट करेगा वो थीटा पुट कर दोगे, ठीक है ना? मोमेंटम में चेंज कितना हुआ इस इसमें, तो तुम बता दोगे। नाउ मैं इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज करता हूं कि इसको वेलोसिटी जो दिया है वो इधर नहीं दे करके इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा है, ये डायरेक्शनल वेलोसिटी दिया है, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल पे, ये भी ले लिया थीटा, नॉर्मली नहीं ऐसे थीटा एंगल। So now you can see that कि अगर अभी ऐसा है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? V cross B। सारे बच्चे ध्यान देना, पिछले क्लास में शायद ये दिक्कत आ रही थी। V cross B, force will be along this direction। V cross B इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए इसका सेंटर कहीं यहां होगा। So this will move in this way। और फिर यहां पे ये बाहर निकल जाएगा ऐसे, यहां भी फोर्स सेंटर की तरफ होगा, दिस विल बी द फोर्स। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज सी। So, अगर मैं पूछूं कि अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, सो ये 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। अगर ये थीटा है, ये रेडियस आर है, सो दिस इज ऑल्सो आर, बिकॉज रेडियस तो सेम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा बच्चों। और अगर ये भी थीटा हो गया तो ये कितने एंगल, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा एंगल पे बाहर जाएगा। ये हमने प्रूफ कर लिया। अगर पूछा जाए हाउ मच टाइम इट स्पेंड्स इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये कितना एंगल रोटेट किया, ये वाला एंगल, तो ये कितना रोटेट किया? पाई माइनस 2 थीटा रोटेट किया एंगल। एम आई करेक्ट? पाई माइनस 2 थीटा। So, इस सवाल में हाउ मच टाइम इट स्पेंड्स इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, देखो यहां से बहुत ही सिंपल आ जाएगा, m अपॉन qb इनटू थीटा इज पाई माइनस 2 थीटा। देवदत्ता, क्या ये सवाल क्लियर हुआ? हाउ मच टाइम द पार्टिकल विल स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन? यस सर। और इसी सवाल में मैंने एक और चीज कहा था, अगर Q निगेटिव है, इफ Q इज पॉजिटिव। दूसरा केस लेता हूं, इफ Q इज निगेटिव, अगर Q निगेटिव है तो फोर्स इधर नहीं होकर के फोर्स किधर होगा? इधर हो जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स। Force will be along this direction। तो पॉजिटिव लेके देख लो, इधर फोर्स होगा, निगेटिव है चार्ज तो इधर फोर्स हो जाएगा। सो फोर्स विल बी इधर इन दिस डायरेक्शन। सो इसका पाथ कैसा होगा? क्यू निगेटिव का ऐसा होगा, इसका सेंटर यहां होगा कहीं, दिस विल कम आउट लाइक दिस।
सो ये थीटा 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा ऐसे निकलेगा बाहर. एंड हाउ मच टाइम इट स्पेंड्स इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो दिस इज द एंगल रोटेटेड, दिस इज द फाइ. So, ये फाइ कितना हो जाएगा, पाई प्लस टू थीटा. तो ये चेक कर लो, पाई प्लस टू थीटा हो गया, क्योंकि ये है पाई माइनस टू थीटा, और ये मिलकर के टू पाई होगा. सो सेकेंड केस में टाइम स्पेंड इन केस टू बहुत ही सिंपल से आ जाएगा, एम अपॉन क्यू बी. यहाँ क्यू मैग्नीट्यूड में है, क्यू मैग्नीट्यूड में है, पाई प्लस टू थीटा. आई होप कि यहां तक में सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे. मैं बात करता हूं कि अभी हमने सेमी इनफाइनाइट लिया, अब क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा और कन्फाइन करता हूं, सर्टेन विड्थ दे देता हूं. मैग्नेटिक फील्ड इज कन्फाइंड इन सर्टेन विड्थ, सेमी इनफाइनाइट भी नहीं, उससे भी कम. सर हाँ सर, एक केस टू है क्या? हाँ, इसको अगर केस लिखोगे तो कह सकते हैं केस थ्री है, क्योंकि पहला केस हमने लिया पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा केस लिया सेमी इनफाइनाइट है, और तीसरा केस ले रहा हूं कि फाइनाइट विड्थ में मैग्नेटिक फील्ड है. क्लियर है ना? तो अगर उस केस में कहोगे तो थर्ड केस है. तो लिखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कन्फाइंड इन सर्टेन विड्थ. मैग्नेटिक फील्ड इज कन्फाइंड इन सर्टेन विड्थ. डी दे दिया मैंने. और एक पार्टिकल को हमने क्या किया है, वी वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया. अब इसमें मैं इस पर्टिकुलर केस में सब केस ले रहा हूं. पहला कि अगर डी का वैल्यू greater than mv naught by qb है, ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है? ये है रेडियस, ये जो रेडियस सर्कुलर पाथ फॉलो करता है उसका रेडियस है, और मैंने कह दिया d इज ग्रेटर. इन दैट केस व्हाट विल बी द मोशन? मोशन कुछ ऐसा होगा, मतलब जो केस टू डिस्कस किया था वैसा ही हो जाएगा. इधर कितना दूर है मतलब नहीं है, d बड़ा है रेडियस से. तो अगर पूछा जाए हाउ मच डिफ्लेक्शन द पार्टिकल विल सफर, सो एंगल हो जाएगा पाई का. इज इट क्लियर? सर एक बार दोबारा रिपीट करो. मैंने कहा ये जो विड्थ है ना, ये डी, डी इज ग्रेटर देन एम वी नॉट बाय क्यू बी. मतलब mv नॉट बाई क्यू बी क्या है? ये रेडियस होगा जो ये पार्टिकल फॉलो करेगा पाथ, उसका रेडियस उससे बड़ा है. तो ये इतना दूर हो या इतना दूर हो या इतना दूर हो मतलब नहीं है, इससे ज्यादा है तो क्या होगा, ये
ऐसा पाथ फॉलो करेगा. व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन? पाई. अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरा केस लूंगा तो शायद समझ में आ जाए. इसी में सेकेंड केस ले रहा हूं. इफ डी इज लेस देन एम वी नॉट बाय क्यू बी. मतलब रेडियस जो पाथ ये पार्टिकल फॉलो करता है उससे रेडियस कम है. ये कुछ ऐसे जाता, ऐसा जाता, बट क्या हुआ यहां तक जैसे गया इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. सो दिस पार्टिकल विल कम आउट ऑफ दिस रीजन एंड जब बाहर आएगा उस समय इसका वेलोसिटी ऐसा होगा. किस डायरेक्शन में बाहर आएगा तो ऐसा होगा. कितना एंगल रोटेट किया तो ये थीटा बता सकते हो. थीटा बहुत आराम से बता सकते हो बिकॉज दिस इज डी विच इज गिवन. दिस इज रेडियस. डी छोटा है, आर बड़ा है. So how much angle the particle has rotated? तो वो थीटा तुम्हें मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर से. क्लियर ना? थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स डी बाई आर. मैं पूछू ये पार्टिकल कितना टाइम स्पेंड किया है तो टी इज इक्वल टू एम बाई क्यू बी. याद करो एम बी एम बाई क्यू बी इंटू थीटा था. थीटा की जगह पे साइन इनवर्स डी बाई आर. ये किस केस के लिए ले रहे हैं? ये वाला केस. मनस्वी क्या ये क्लियर हुआ स्टेटमेंट? नहीं हुआ तो पूछ सकते हो. क्लियर हो गया. ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा. तो ये केस भी समझ में आ गया. चलो 47 48 बच्चे थे, अभी 44 पे आ गए. मयूर बताओ मिटा दूं अब? सर एक मिनट बस. ठीक है, लिख लो इसको. अभी तक जितने भी केस डिस्कस किया बच्चों, हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में चार्ज पार्टिकल को थ्रू किया. अब हम लोग वो केस डिस्कस करेंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल थीटा है, मतलब पाई बाई थ्री है, पाई बाई फोर है, 90 डिग्री नहीं, जीरो भी नहीं है. जीरो का तो केस सिंपल हो जाएगा. In that case, what will be the कैसा motion होगा उसका? ठीक है? So heading डालो if angle between velocity and magnetic field is theta. थीटा लिख लो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन पाई बाई टू. सर एक बार रिपीट करो ना हेडिंग.
सर ऊपर का बोर्ड विजिबल नहीं है। स्लोप दिखा होगा। सो मैं थोड़ा सा डायग्राम में ऐसे चेंज करता हूं कि पार्ट मैग्नेटिक फील्ड सपोज एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और अगर हमने चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया होता इधर 90 डिग्री पे तो इसका मोशन जो होता एक्स वाई और जेड एक्सिस ऐसा है। अगर वेलोसिटी ऐसा होता बच्चों तो पार्टिकल किस प्लेन में रहता, किस प्लेन में उसका मोशन होता अगर वी इधर होता तो v क्रॉस b चार्ज पे फोर्स ऐसा लगता। सारे बच्चे समझना v क्रॉस b पीछे चार्ज पे फोर्स इधर होता, ये सर्कल रोटेट करता है जिसका सेंटर z एक्सिस पे होता, नेगेटिव z एक्सिस पे होता, इसका मोशन कन्फाइंड होता वाई जेड प्लेन में। सर एक बार और बता दो ना प्लीज। ठीक है मैं फिर से बता रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अभी, तो ये पार्टिकल का मोशन किस प्लेन में कन्फाइंड रहेगा, किस प्लेन में होगा। तो मैंने कहा इनिशियली फोर्स देखो किधर है, वी क्रॉस बी नेगेटिव जेड एक्सिस पे, इसका सेंटर कहां लाई करेगा, नेगेटिव जेड एक्सिस पे, और इसका मोशन जो होगा वो ऐसा, यहां पे ऐसे क्या ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है तो ये ऐसा मोशन करेगा, ऐसा मतलब मोशन जो रहेगा वो वाई जेड प्लेन में कन्फाइंड होगा। इजंट इट? क्योंकि सर ये कैसे करें वाई जेड, ऐसे भी सोचो मोशन का प्लेन कैसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इस पर्टिकुलर केस में। जैसे इससे पहले हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड इधर था इनटू द प्लेन, मोशन एक्स वाई प्लेन में था। बहुत सिंपल सी बात बताया, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तो हमने हेडिंग डाला है कि थीटा इज नॉट पाई बाय टू, पाई बाय टू नहीं है थीटा, कुछ है इधर है थीटा। अब इसका मोशन कैसा होगा देखना, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड v पैरेलल कितना हो जाएगा v cos थीटा, और v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा v sin थीटा। कैन यू से दैट कि बिकॉज ऑफ द v cos थीटा इस पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का जो पैरेलल होगा उसके कारण फोर्स नहीं लगेगा। अगर सिर्फ यही वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी चेंज भी नहीं होता टाइम के साथ, पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन इसका ये भी कंपोनेंट है। तो इस दोनों कंपोनेंट को हम इंडिपेंडेंटली डील करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट दिस विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ इन वाई जेड प्लेन, बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट पार्टिकल विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन अब चूंकि दोनों साथ में है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से दोनों का इंपैक्ट होगा, सो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर भी होगा और आगे भी जाएगा, काइंड ऑफ दिस, दैट मीन्स पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी हेलिकल, इजंट इट? यस।
पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी हेलिकल, आगे भी जा रहा है और सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है. स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग देखो ना, स्प्रिंग कैसा होता है, ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे 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 जा रहा है. इस टाइप से ठीक है. यहां से चला ऐसे जाकर के फिर से वापस आ रहा है, तो ऐसे ऐसे जा रहा है. तो अगर मैं पूछूं कि एक स्प्रिंग लो, स्प्रिंग को थोड़ा सा इंक लगा दो और ऐसे बनाओ, तो इस पे ऐसे ऐसे बन जाएगा. मतलब स्प्रिंग का एक यहां के बाद फिर ऐसे घूम करके फिर यहाँ आया, फिर ऐसे घूम के यहाँ आया. तो ये जो डिस्टेंस है ना, उसी को बोलते हैं पिच. पिच ऑफ द हेलिकल पाथ. जैसे स्प्रिंग लिया और तुम यहाँ पे टच करो, तो स्प्रिंग यहाँ पे तुम्हें टच कर रहा, फिर यहाँ टच कर रहा, फिर यहाँ टच कर रहा, तो ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड पिच. यहाँ पे समझने के लिए कि यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया, फिर से एक्स एक्सिस को टच किया कहीं पे, तो एक सर्किल कंप्लीट करने के बाद, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, ये इस डायरेक्शन में कितना फॉरवर्ड हुआ है, उसी को बोलते हैं पिच. तो पिच कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? देखो यहां से स्टार्ट किया, इसका मोशन बाइजेड प्लेन में है, ये पीछे जाएगा और पीछे से फिर वापस आएगा, फिर से एक्स एक्सिस को यहां टच करेगा, फिर वापस रिपीट होगा. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा पिच. तो सबसे पहले तो हम टाइम पीरियड की बात करते हैं. व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? तो वैसे टाइम पीरियड तो आपने बताया था इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से. जो वेलोसिटी उसको सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है, उस वेलोसिटी से तो इंडिपेंडेंट है. तो बड़ा अच्छा सा चीज आ गया, 2πm/qb. है ना? अब मैं पिच बोल रहा हूं, तो पिच हमने कहा कि ये कितना डिस्टेंस फॉरवर्ड हुआ है जब ये एक सर्कल कंप्लीट किया. तो पिच इज इक्वल टू इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट. कितना है वेलोसिटी? वी कॉस थीटा. कितने टाइम के बाद वापस आएगा? एक टाइम पीरियड, 2πm/qb. This is the pitch. Aditya Sulvansi, क्या ये concept clear हुआ pitch वाला? हाँ sir. Constant pitch होगा, क्योंकि आगे का भी मोशन वैसा ही होगा. सो इट विल फॉलो ए हेलिकल पाथ विथ कॉन्स्टेंट पिच. जैसे स्प्रिंग जो होता है वो देखते होंगे कि ऐसे ऐसे इक्वल इक्वल स्पेसिंग पे रहेगा. अगर मैं इसमें पूछूं कि किसी टाइम पे व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट, What will be x coordinate at any time t? तो बहुत कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है, x डैक्स में तो इसका velocity constant है, v cos theta है, v cos theta into t. और अब अगर मैं पूछूं what will be the y coordinate, what will be the z coordinate, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है.
लेकिन हमने ऑलरेडी एक्स वाई प्लेन वाला बता चुके हैं, तो देखो मैं इसका प्लेन थोड़ा सा वाई जेड प्लेन को ऐसे दिखाता हूं। जो जेड एक्सिस है उसको मैं ऐसे कर लेता हूं, तो देखो ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस और लेट्स की इसको ले लेते हैं जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस, नीचे वाले को जेड निगेटिव जेड एक्सिस कर ले लिया। सोचो इस प्लेन को ना ऐसे, इस प्लेन को ऐसे प्लेस कर दिया, अगर ये निगेटिव जेड एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये वाई एक्सिस लिया है, इस प्लेन को ना ऐसे पलट दिया ऐसे, तो एक्स ऊपर हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, ऐसा भी करो आई क्रॉस जे के होना चाहिए, के इधर दिखाया है। सो पार्टिकल को एक्चुअली में देखोगे तो पार्टिकल का ये वाला सर्कुलर मोशन दिखाना चाह रहा हूं, ये हमने कहा था इसका नेगेटिव जेड एक्सिस पे सेंटर है, सो दिस विल बी द मोशन इन वाई जेड प्लेन, किसी टाइम पे यहां पे होगा पार्टिकल, थीटा एंगल रोटेट किया है, थीटा ने यहां फाई लिख देता हूं क्योंकि थीटा ऑलरेडी यहां यूज किया, तो y कोऑर्डिनेट किसी टाइम पे क्या होगा, जैसा हमने समझाया था वहां पे भी y कोऑर्डिनेट ये है, कितना है r, r sin phi, phi कितना होगा ओमेगा इंटू टी, तो किसी टाइम पे y कोऑर्डिनेट, ये समझने की कोशिश करना, y कोऑर्डिनेट विल बी r, r लिख लेंगे क्या होगा r sin phi, what will be z coordinate, ये वाला r into 1 minus cos phi, और ये minus minus में आ जाएगा because ये negative z axis है। क्या ये समझ में आया, क्या ये concept तेजस सर, एक और बार रिपीट करो ना। ठीक है तेजस, तुम्हें क्लियर हुआ क्या ये जेड कोऑर्डिनेट और हाँ सर आई कोऑर्डिनेट, हाँ हाँ क्लियर है, क्लियर हो गया। ऋतुजीत हाँ सर क्लियर है। ठीक है, मैंने क्या किया देखो, इसमें तुम्हें तो पीछे है इसका मोशन, जो सर्कुलर वाला मोशन है वो पीछे वाला प्लेन है, ऐसा प्लेन है ऐसा, तो उतना सेंस नहीं दिखा, तो मैं इस प्लेन को ना इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये जो प्लेन था ये x एक्सिस इधर है, z एक्सिस नेगेटिव नीचे है, तो मैं इस प्लेन को ना ऐसे प्लेस कर दिया, तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखो ये मार्क, ये देखना ये x एक्सिस की तरफ है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे विजुलाइज करना चाहता हूं, देखो ये x एक्सिस इधर हो गया, तो ये यहां से चलना शुरू किया, किसी टाइम पे ये फाइ एंगल रोटेट किया, फाइ जो होगा वो ओमेगा इंटू टी होगा, तो टी का जो जीरो पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो, जेड कोऑर्डिनेट जीरो, बट किसी टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin phi, क्लियर है सर अभी, z कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा r माइनस r cos phi, ये लेकिन ये नेगेटिव z एक्सिस है इसलिए माइनस साइन लिख, तो अगर मैं किसी टाइम पे, सारे बच्चे देखना, किसी टाइम पे मैं पोजीशन वेक्टर बोलूं तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा v cos theta, ये theta constant है, v cos theta into t इतना i cap plus r, r कितना हो जाएगा m v
mv by qb, but v ka jagah pe v sin theta, isn't it? v sin theta, circular path jo raha v sin theta ka hand ho raha hai, to ye r itna ho jayega divided by qb into sin phi, phi omega, omega kitna hoga? ओमेगा कितना बताए थे? क्यूबी बाय एम ना? हाँ सर। सो क्यूबी बाय एम इनटू टी इतना जे कैप प्लस आर, आर का मतलब यही एम वी साइन थीटा बाय क्यूबी R 1 minus cos यही रहेगा QB by M into T इतना, और ये minus है तो minus K cap. This is the position vector at any time T. Path will be helical. X coordinate constant rate से change हो रहा है. V cos theta is the velocity. तो ये देखने में एक्सप्रेशन बड़ा है बट है बड़ा आसान. जिसको समझ में आ गया वो फिर कभी भूलेगा नहीं, ये लिख सकता है. अभी तक जितने भी सवाल किए हमने मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग केस ऐसा डिस्कस करते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है. Both magnetic and electric field are present. तो चार्ज पार्टिकल पे दो टाइप का फोर्स लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. सिंपल सा. और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? दोनों का समेशन. तो लिखो बोथ ई एंड बी आर प्रेजेंट, बोथ ई एंड B are present. जब tough सवाल इसमें बनाना है ना तो ये वाला concept use होगा. Both E and B are present. तो अब अगर मैं पूछूं what will be the force, तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स हो जाएगा Q into E होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स Q V क्रॉस B होगा. क्या तुम्हें कोई नया सा कॉन्सेप्ट बता दिया? This will be the net force. This force is called, ये लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बताया था लॉरेंस फोर्स. तुम तो कहोगे सर ये तो मैं भी बता देता हूं. ठीक है, उस तो दिस विल बी द नेट फोर्स. अब हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं. केस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी इधर दिया. बताओ कैसा मोशन होगा पार्टिकल का? स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, helical, what kind of force it path will be of the charged particle? Anyone? Electric field be x-axis, magnetic field be x-axis, velocity be x-axis.
सारे बच्चों ने स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, मैसेजेस बहुत सारे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई रोल ही नहीं रह जाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। अगर वेलोसिटी इधर चार्ज भी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, है ना? इतना सिंपल है, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा दूसरा केस लेता हूं। इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दिया इधर, बता इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर या हेलिकल? मैं ही आंसर बताऊंगा, तुम्हें लोगों को बताना है। दूसरा ऑप्शन, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा। बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ चुका है। पूजा, पूजा क्या आंसर होगा इसका? बाकी बच्चे लिख भी लेंगे। श्रीतोष ने बताया आंसर, बहुत बढ़िया, और भी बच्चों ने बताया, धनंजय ने भी बताया, सही है, गुड। तेजस करेक्ट, ऋतुजीत ने बता दिया, किरण ने सही बताया, वेदांत सही, मनस्वी गुप्ता सही, श्रीतोष सही, धनंजय सही, आदित्य सूर्यवंशी करेक्ट। बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें यार, इतना आसान से सवाल है। शुभम कनेक्टेड है क्या? शुभम हाँ सर, हाँ क्या होगा शुभम? डी डी, बहुत बढ़िया। संकेत सही बता दिया, पिच पढ़ती जाएगी, पढ़ती जाएगी। हाँ चलो अभी, हाँ दी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि सबको समझ में आना चाहिए था ये। देखो अभी तो वेलोसिटी वी नॉट है, तो तुम्हें लगेगा कि सर ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, सॉरी बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, पार्टिकल का मोशन इधर भी होगा, इसका टाइम पीरियड तो कॉन्स्टेंट है, बट आगे भी जाएगा। किसी का म्यूट, तेजस म्यूट कर लो। हाँ, और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग पिच हो जाएगा। अगर मैं अभी कहूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम बाद फिर से टच करेगा इस सवाल में? एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज एट ओरिजिन एंड हैव वेलोसिटी
v not I cap is equal to E not I cap and B is equal to B not I cap. Then find time when it will cross x-axis again. It will touch x-axis again. ये सवाल अगर हमने दे दिया तो कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है, दिस विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ और टाइम पीरियड तो इंडिपेंडेंट है 2πm/qb. तो किस किस टाइम पे आएगा, इतने टाइम पे, फिर कितने टाइम पे, 2 times ऑफ दिस, फिर कितने टाइम पे, 3 times ऑफ दिस, ये सारे टाइम पे एक्स एक्सिस पे होगा. लेकिन अगर मैं पूछूं कि x कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा जहां पर वो टच करेगा, कहां कहां पे टच करेगा, कैन यू फाइंड x1 क्या होगा, मतलब ये ऐसे घूम रहा है तो फिर से x एक्सिस पे जब आएगा तो कितना आगे चल चुका होगा. तो अगर सर हाफ इंटू x डायरेक्शन का एक्सलेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, मतलब पहला पिच कितना होगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू x कितना हो जाएगा qe by m, e के जगह पे e नॉट. सारे बच्चे ध्यान से देखना, qe नॉट by m इंटू टी, ये टाइम पीरियड वाला स्क्वायर, ये टी है कैपिटल टी. मैं पूछूंगा कि दूसरी बार एक्स एक्सिस को कहां टच करेगा, एक्स टू इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ यही वाला टर्म और ये टू टी, टू टी टाइम स्पेंड कर लिया, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर एक्स टू हो जाएगा, एक्स थ्री हो जाएगा 3t का स्क्वायर, दिस आर द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर इट विल टच. क्या ये सवाल समझ में आया? हाँ सर. अगर कहा कि पहली बार x एक्सिस को x नॉट पे टच किया मतलब ओरिजिन के बाद, तो दूसरे बार कहां टच करेगा, 4x नॉट पे टच करेगा, तीसरी बार कहां टच करेगा, 9x नॉट पे टच करेगा, है ना. तो ये केस वन तुम्हें समझ में आ गया, मैं केस टू लेता हूं आगे. तो मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड बी आउट ऑफ द प्लेन है और पार्टिकल का वेलोसिटी वी इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड and velocity all are mutually perpendicular direction as shown. Charge particle is positive. क्या ये केस हो सकता है कि पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इज इट ए पॉसिबल केस? यस.
इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन E, B and V? कहोगे सर कैसे ये अनडिफ्लेक्टेड पास करे? अनडिफ्लेक्टेड मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स नेट फोर्स शुड बी जीरो. तो इस पे तो दो फोर्सेस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. जीरो होना है दैट मीन्स दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर होगा, ये क्लियर है. मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा? तो वी वी और बी देखो बाहर है, वी क्रॉस बी इधर होगा. वी क्रॉस बी इधर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स. अगर ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो गया तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो. डायरेक्शन हमने देख लिया अपोजिट है. सो फॉर दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? क्यू वी बी देख लिया हमने. सो रिलेशन जो आ जाएगा इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा. अगर इज इक्वल टू वी बी है देन पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड. कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ सर. ठीक है. अब ले रहा हूँ जो आज का क्लास, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास भी है. तो आज का क्लास में छोड़ दूंगा, तुम्हारा दूसरा क्लास भी होगा 9:30 से. तो सिर्फ केस ले रहा हूं ऐसा. लेट्स दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड इधर है और पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दिया इस डायरेक्शन में. E is equal to E naught J cap. B is equal to B naught K cap. V is equal to V naught J cap initially. इसके motions को realize करना है कि कैसा होगा motion. क्या ये straight line ऐसे y direction में जाएगा क्या? क्या motion इसका straight line होगा क्या? क्या इसका मोशन सर्कुलर होगा क्या? दिस इज द केस. देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो इधर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स देखो, वी क्रॉस बी इधर है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स स्टार्टिंग में. मतलब पार्टिकल का एक इधर एक्सेलरेशन होगा, इधर तो है ही. सो पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होगा, इधर जाएगा, आगे भी जाएगा और इधर भी जाएगा. लेकिन जैसे ये यहां पे इसका वेलोसिटी इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो एफ ई इधर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर हो जाएगा एफ बी. पहले इधर था अब इधर हो जाएगा, है ना? तो और इसका मोशन चेंज होगा. इसका मोशन आसान नहीं दिख रहा है, इसका मोशन कॉम्प्लिकेटेड होगा. हमें इसके मोशंस को एनालाइज करना है. तो नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करूंगा, और तब तक के लिए तुम्हें एक टफ सवाल
बहुत ही बढ़िया से सवाल, बहुत ही बढ़िया, जिसको कि तुम 10 बार सॉल्व करो पूरे जेई के प्रिपरेशन में। एचसीवी लास्ट सॉल्व एग्जांपल, सारे बच्चों से ये, सारे बच्चों को ये बताया जा रहा है, जो सिंसियर बच्चे हैं ये ट्राई करें समझे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और समझाऊंगा, है ना। चलो तो आज का क्लास यहीं फिनिश करता हूँ।